की बात की थी उसकी अपडेट दे दूं। चले जी, शाहीन शाह अफरीदी की अपडेट दे दीजिए। वैसे मेरी नजर के अंदर तो शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ सिर्फ क्योंकि मौसम ऐसा था, क्रैम्स पड़े होंगे, लेकिन सवेरा के पास मेरे ख्याल से ऑफिशियल अपडेट आ गई है। सवेरा ऑफिशियल अपडेट है? बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, वो इसी में उसी चीज पे मैं इस वक्त लगी हुई थी उस ऑफिशियल अपडेट पे। शाहीन शाह आफरीदी को कोई किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई है शुक्र, और जो है क्रैम्प्स नहीं, ही वाज ऑल सोकिंग और सारे पसीने की वजह से ही वाज सेंड बैक टू द ड्रेसिंग रूम जस्ट टू चेंज हिज शर्ट, और शर्ट चेंज करने के बाद वो फील्ड में फिर वापस आ गए थे। तो कोई किसी किस्म की इंजरी नहीं है, शाहीन शाह आफरीदी इज फुली फिट। चलें जी, मुबारक हो बहुत बहुत। सवेरा अगर आप व्यूवर्स को एक दफा फिर डिटेल में बता दें क्यों बाहर गए थे, किस लिए गए थे। असल में ये गंद वकारी यूनुस किया, वकारी यूनुस ने तो ऐसे फुफो वाला काम किया, वो नहीं हो फुफो में होती घर में कुछ हो जाए, रौला पै गया, रौला पै गया, रौला पै गया, ओ सब खत्म हो गया, रौला पै गया, रौला पै गया, तो वकारी के साथ रौला पै गया वाला काम यहाँ डाल दिया था। सो प्लीज एक दफा व्यूवर्स को अगर आप क्लैरिटी बता दें क्यों बाहर गए, क्या बाहर गए, क्यों लोग कंसर्न है। टीजर मैंने आपको दे दिया। शाहीन शाह जिस वक्त फील्ड से बाहर गए, ऑब्वियसली इट वाज वेरी वेरी हॉट इन मुल्तान, और हॉट से ज्यादा इट वाज वेरी ह्यूमिड, स्पेशली अंडर द लाइट्स और ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ गई थी, सो ही वाज लिटरली सोकिंग। तो उनकी अभी मुझे साथ साथ जो और अपडेट मिली है कि उनकी शर्ट को लिटरली वो निचोड़ा था, यू कुड जस्ट सी द वाटर ड्रेनिंग आउट, द स्वेट ड्रेनिंग आउट ऑफ इट। सो वो शर्ट चेंज करने गए थे, शर्ट चेंज करके ही वॉज बैक ऑन द फील्ड एंड देर वॉज नो इंजरी। यस, गर्मी बहुत थी, आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेचिंग करते हुए जरूर दिखे हैं, बट दैट वॉज ऑल नेचुरल एंड नॉर्मल। देर इज नो इंजरी दैट शाहीन शाह इज राइट नाउ ही हैज, और नहीं, देर इज नथिंग, कोई इंजरी विंजरी का कोई सिलसिला नहीं। चलो जी, मुबारक हो शाहीन शाह अफरीदी को, कोई इंजरी का सिलसिला नहीं है। अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से यहाँ लोग भी मैसेज कर रहे थे शाहीन की इंजरी अपडेट, शाहीन की इंजरी अपडेट। तो सवेरा एक दफा फिर रिपीट कर दें कि यहाँ ऑफिशियल अपडेट आपको सवेरा बता रही है, यहाँ कोई निकल विकल कुछ भी नहीं है। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी क्यों बाहर गए थे और क्यों वापस अंदर आए, फिर थोड़ी देर में आ गए थे, अब ऑफिशियल वर्जन भी आपको पता चल गया। तो सवेरा इंडिया के लिए वो मेरे ख्याल से रेडी है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए यार। फुल स्ट्रेंथ इंडिया, फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान, यहाँ से शाहीन रेडिंग टू गो, वहां से रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, मजा फिर तभी आएगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए क्लैरिटी में लोगों को पता चल जाए कि कोई ऐसी इंजरी स्केयर नहीं है। सो शाहीन शाह आफरीदी इज नॉट इंजर्ड एट ऑल। शाहीन जो है वो बहुत शदीद गर्मी थी मुल्तान में एंड ही वॉज स्वेटिंग बैडली, सो ही वेंट बैक टू द ड्रेसिंग रूम टू चेंज हिज शर्ट, और अपनी शर्ट चेंज करके जो है ही केम बैक इन द फील्ड एंड ही वॉज देयर इन द फील्ड ऑल अराउंड देन। तो कहीं आपको कहीं अगर स्ट्रेच करते हुए भी दिखे थे, दैट वॉज रियली नॉर्मल बिकॉज गर्मी वगैरह की वजह से कहीं ना कहीं आपको, आप तो नॉर्मली, हम भी ऐसे होते हैं तो हम स्ट्रेच कर लेते हैं, सो ऐसी कोई बात नहीं है। देयर इज नो इंजरी स्केयर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। चले जी, सवेरा आगे बढ़िया।